आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। इस कोरोना महामारी के चलते कई संगठन व पार्टी द्वारा गरीब लोगों को राशन सामग्री की मदद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने निरंतर गरीब असहाय मजदूर लोगों को की जा रही है राशन सामग्री वितरित, आटा दाल चावल आलू इत्यादि। एवं सपा युवा नेता चंद्रदीप के द्वारा बताया गया कि हमारे कार्यकर्ता सदस्यों के द्वारा जो गरीब असहाय मजदूर श्रेणी में है उनका निरीक्षण करके उन लोगों को सामग्री वितरित किया जा रहा है जो सच में पात्र हैं। और इस प्रकार गरीबों को समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रतिदिन 100 गरीब लोगों को राशन सामग्री दी जा रही है। एवं युवा नेता चंद्रदीप द्वारा कहा गया कि आगे प्रदेश अध्यक्ष जैसा निर्देश करेंगे आगे भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। पिछले दिनों कई गांवों में बबेरू उमरेन्यू में राशन सामग्री वितरित किया। वहीं बांदा शहर के 15 तारीख से 100 लोगों को निरंतर जरूरतमंदों को चमरौली कालूकुआं गायत्री नगर आजाद नगर शंकर नगर इत्यादि नगरों में गरीबों को दी गई खाद्य सामग्री जो आगे निरंतर जारी है। समाजवादी पार्टी के सहयोगी टीम सपा युवा नेता चंद्रदीप यादव उर्फ दीपू यादव महेंद्र सिंह यादव लवलेश यादव अरविंद यादव कुलदीप यादव आसाराम यादव आदि लोग उपस्थित रहे। बांदा से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। भैया आपका चंद्रदीप यादव दीपू। आप समाज में किस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं? मैं समाज में माननीय अखिलेश यादव के निर्देशानुसार और लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष जी के लोग रामकरण निर्मल जी के निर्देशानुसार कार्य कर रहा हूँ। जो पात्र गरीब लोग हैं मुझसे जितना सहयोग हो रहा है मैं लगातार 4 दिनों से कर रहा हूँ। एक दिन में आप कितने गरीबों को क्या क्या बांटते हैं? एक दिन में मान लीजिए कि 80 से 100 पैकेट बांटे जाते हैं जिसमें से प्रति व्यक्ति को 2.5 किलो से 3 किलो आटा आलू और चावल बराबर लगातार बांटते हैं। केवल आप शहर में ये गरीबों को दे रहे हैं कि क्षेत्रीय वासियों में भी गांव में? मैंने बबेरू विधानसभा में ग्राम उमरहनी पड़ता है जहां वहां मैंने जितने गरीब लोग रहे मेरी जितना सहयोग हुआ मैंने वहां भी बांटा। और आगे आपकी क्या राय रहेगी? अब ये तो माननीय अखिलेश यादव जी जैसा निर्देश देंगे वैसे कार्य हम लोग करना करते रहेंगे।